जो उन्होंने जब बलात्कार किए, तो वो जब लेके आए थाने में लाने के बाद थाने वाले क्या बोले, इनका एफ आई आर करो, तो बोले नहीं हम थोड़ी देर के बाद करेंगे ना, आप लोग लड़की को दीजिए, हम लोग पूछताछ करेंगे, फिर हम एफ आई आर करेंगे। ये बाकी साथी ने भरोसा कर लिया शायद ये एफ आई आर हो जाएगा, इसलिए थाने के अंदर में बुला रहे हैं, थाने के अंदर में बुला लिए और बोले 2-3 घंटा लगेगा लड़की को पूछने में, आप लोग तब तक कहीं बाहर अपना चाय नाश्ता पी के आ जाइए। तो वो लोग थोड़ा साइड हो गए, तब तक लड़की को वहाँ से गायब कर दी, और उसकी माँ, लड़की और उसका भाई और उसका पिता, ये सबको गायब कर दिए। गायब करके कहीं जगह पे रखा गया, इतना मारे वो लड़की जिसको बलात्कार हुआ, तो उसको भी मारे, माँ को भी मारे, सब परिवार को मारे, अंत में लिखवा दिए मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ। और उसके बाद उसने पूरे मीडिया में दे दिए, बोले देख लड़की कह रही है बलात्कार नहीं है, जबकि लड़की बार बार चिकचिके बार इतनी मारने के बाद जब हम जाके देखे लड़की को बोले तुम गांव छोड़ के कहीं भी चले जाना, तो लड़की कम से कम 1 महीना तक गांव छोड़ के चले गई। तो जो उसमें उस दौरान में जो लोग देखे थे फोटो खींचे, तब देख रहे लड़की के पूरे पीठ को ना छील दिया गया, इतना मारे थे। तो लड़की क्या करेगी, मेरे साथ नहीं हुआ बोल, ऐसा हुआ स्थिति है कि हमारा ये कहना उसी में अगर एफ आई आर हो जाता, एफ आई आर होने के बाद उसके सरकार ने इस तरह से ले लेता तो हाउस ऑफ अ फैमिली, सो दिस गर्ल वॉज देयर विद हर पेरेंट्स, हर अंकल, आंट, एंड दोज पीपल वर ड्रिवन आउट एंड शी वॉज रेप्ड, एंड द एंटायर टाइम शी वॉज स्क्रीमिंग, बट वेन एवर हर फैमिली ट्राई टू इंटरवीन, वेन एवर their neighbors, other villagers tried to speak up, they were just threatened with a gun and kept outside the house, and the entire time she was inside the house and everyone around was helpless to do anything to save her. But after this incident, once the force retreated, people were united by what happened, and they approached some members of the CPI and went to the police station. When they reached the police station, at first the police stalled, then they offered to interrogate her, take a statement from her, and advise the people who had taken her to the police station to just go away for 2-3 hours, drink tea, be back in a while, and said that they would in the meantime talk to her. So she was taken inside the station, and during this time then the girl disappeared, her family disappeared, and they were taken somewhere by the police, and all of them, including this girl who was a victim, who was very recently a victim of rape, was beaten up, and beaten up very brutally. Then she was asked to leave the village for some days, and the extent of violence against her and her family was so extreme that after she resurfaced, you could see on her body the marks that violence had left on her. And ma'am thinks that had an FIR been filed, she would not have had to go through this extent of violence from the police. तो ये दो स्टोरी आप लोग को ऐसा बताया है कि क्या बस्तर में वास्तविक क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऐसे कई लड़कियों के साथ होता है, कई हमारे भाइयों के साथ होता है एनकाउंटर, ये हर जगह पेपर में माओवादी बताता जाता है, लेकिन ऐसा वास्तविकता वहाँ ऐसा नहीं है। वो पूरे आदिवासी को मार के चीज़ें बताए, कुछ हद तक सही रहता है, बाकी पूरा का पूरा सही नहीं है। और जो हम जेल का जो अनुभव बता रहे हैं कि जेल में भी कैसे हो गया, जब हम जेल गए थे तो मैं बहुत ही मतलब एक टीचर होने के नाते मैं इतना ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, बहुत डरती थी, एक अधिकारी से भी डरती थी। पर मैं जेल जाने के बाद उसमें वहाँ जाके मैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था कि करंट शॉट दे देना, निवस्त्र करना, हमारे शरीर के गुप्तांगों में कितनी दर्दों के साथ पत्थरें डाला के बहुत कुछ इन्होंने किया, यानी कोई कसर नहीं छोड़ा। तो ये सब चीज़ों का यतना को जेल में भी लातों के साथ डाल दिया गया, लात मार के जेल के अंदर मुझे डाला, मतलब पूरी तरह अधमरा बना दिया गया। तो मैं जेल में चले गई, चले जाने बाद मैं ये सोचने लगी जो चीज़ मेरे साथ हुआ शायद मैं किसी के साथ नहीं हुआ, मेरे मन में ये रहा। तो जब मैं जेल पहुंचने के बाद कुछ समय मतलब मैं चुपचाप रहती थी, तो दो तीन महिलाएं, वहाँ बहुत सारी महिलाएं थी, वो मेरा रोना देखते थे, मेरे को लाचार हुआ देखते थे। तो उन्होंने एक दिन मुझसे ये कहते हैं, दीदी
आप एक काम कीजिए, हमारे साथ चलो थोड़ा बाहर। हम बाहर चले गए, बाहर जाने के बाद वो एक बाथरूम में ले गए। बाथरूम में ले जाने के बाद मुझसे कहते हैं कि आप क्या सोचते हो, जो आपके साथ घटना घटा है, जो भी घटा है, क्या आपके साथ हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ? आपको ऊपर से हम लोग बहुत अच्छा दिख रहे हैं, हम दिखाएं हमारे साथ क्या हुआ। जब वो लड़कियाँ बाथरूम में जाने के बाद अपना जो कपड़े उतारें तो उनके निप्पल काट दिया गया था, उनके चेस्टों को पूरी करंटों से दार दार किया गया था। और उनके और वो लड़कियां मुझसे बताती हैं, ये देखो हमारा ये शरीर है, पता है किसने किया, ये हमारे पुलिस वाले ने किया है। एक लड़की बोलती, मैं जंगल जा रही थी लकड़ी काटने के लिए, क्योंकि वो लकड़ी लाएंगे तभी चूल्हा जलेगा, खाना बनाए, तो बोलती मैं जंगल में मेरे को पकड़े और मेरे साथ ये किए, ऐसा वो अपनी बातें बताए। उसके बाद बोलते, आप क्यों रोते हो, आपके साथ नहीं हुआ, जितने लोग हैं ना सबके साथ ये हुआ, लेकिन हम क्या करें, आप तो पढ़ी लिखी हैं दीदी, आप लड़ सकती हैं, आप क्यों नहीं लड़ना चाहती, आप लड़ो ना, हम तो अशिक्षित हैं। उन लड़कियों ने एक अशिक्षित होने के बावजूद मेरे अंदर में ये चीज़ डाला, तब मैंने सोच में पड़ गई कि वाकई आप मेरी लड़ाई को अपनी लड़ाई नहीं बना के औरों की लड़ाई करने के लिए सबको पूरे देश को बताऊं। मैं नहीं बता रही थी कि मुझे शर्म आ रहा था, क्योंकि हम एक लड़की जात होने के नाते हमारा समाज हमको ये सिखाया था, हमारे माता पिता ने ये सिखाया था कि भाई आप एक औरत जात हो, आप औरत जात होने के नाते आपको अपने लज्जा शर्म के अंदर रहना है। क्योंकि मेरी शादी भी हो गई थी तो मैं बोलती थी कि मेरे साथ जो हुआ है इतना कुछ मेरे ताने में कराया गया, अगर समाज को पता चलेगा तो क्या इज्जत रहेगा, मेरे आदमी को पता चलेगा तो क्या इज्जत रहेगा, मेरे को तो कोई भी नहीं पूछेगा, मेरे इतना कुछ मैं नहीं किसी को नहीं बताऊंगी, ये मैं सोचती थी। पर लड़कियां ने जब बताया ये सब चीज़ों को मेरे को बोला, तब मैंने सोचा मैं अपनी ही जीवन से शुरुआत करती हूँ। फिर मैंने लिखा, चिट्ठी लिखा और हिमांशु सर को लिख के पूरा बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। और उस समय तो अभी भरोसा नहीं था कि मैं जिंदा रहूं, क्योंकि मेरे अंदर पत्रे जाम हो चुके थे, मेरा यूरिन पास नहीं हो रहा था, तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं बोली अब मर तो जाना है, मरने से पहले देश को बताती हूँ कि क्या हो रहा है। Ma'am described how this kind of violence happens against many people, and maybe some of them are really Maoists, but most of them are not, and they're just labeled as that by the police. When she was first jailed, she was very afraid. She was only a school teacher. She was scared of the authority of the policemen. But while in jail, she was victim to many instances of custodial violence. She was electrocuted. She faced a lot of sexual violence. She was kicked around. The police went so far as to insert stones in her private parts. And while she was in jail, in the beginning she thought that this happened to only her. And then a few women who were also jailed alongside her, they took her aside. They took her into a bathroom. And they told her that it happened to them too. They undressed and they showed her the extent of violence that had been committed upon their bodies. They showed her how their nipples had been cut off by the police. Their chests were electrocuted and there were still marks from that violence on their bodies. One of them, in fact, was only in the jungle to collect firewood to cook. And despite this, she was still victim to this kind of violence from the police. And it was this incident where she was encouraged to fight. They told her that you are educated, unlike us. Why don't you fight for what is happening to us? And she describes how at this point, until then, she was still ashamed of what happened to her. She had grown up in a very traditional society. She was a married woman. She was taught by her family. And she believed that there are certain rules of society that she must stay within. She must protect her honor. What will happen if people find out what has happened with her? She would be disgraced, her family would be disgraced. But she describes this as the turning point where she decided that she would not only be fighting for herself, but for every woman who had been victim to this kind of treatment from the police. And then she wrote to Himanshu Kumar, who is an activist. And even while she was writing that letter, she was physically, personally in a really, really bad shape. She wasn't able to pass urine. There were still stones jammed inside her body from what the police had done to her. But it was at this point that she decided that she would be fighting for all the women in Chhattisgarh. तो जब ये सभी ऑलरेडी दो साल से पहले थे जेल में, मतलब मेरा जेल जाने से पहले एक साल पहले उनको भी माओवादी करके डाल दिया था। तो जब मैंने ये जैसे ही आप लोग तक ये बातें बताना चालू किया हिमांशु सर के जरिए से पत्र लेटर लिख लिख के, तो अब वहाँ छत्तीसगढ़ सरकार और पूरी पुलिस प्रशासन सब
आवी हो गई, मैं जेल में ही थी। और उसके बाद मेरी जो मानसिकता से जो एक एक दिन में एक एक मतलब एक टाइम पे 12-13 टेबलेट खिलाया जाता था, मतलब मेरे को सुबह शाम तक 24 टेबलेट खिलाया जाता, मतलब वो करके कुछ इंजेक्शन डालते थे। जब उनसे मैं पूछती थी कि आप कौन सी दवाई मुझे खिला रहे हो, मुझे कुछ होश नहीं रहता है, मेरे को अजीब सा लगता है, बोले नहीं आपके साथ बहुत टॉर्चर हुआ है ना, ठीक होने के लिए आपको दवाई दिया जा रहा। अब उसका जब मैं बोलती थी कि मैं भी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, आप उसको दिखाइए, तो बोलते थे ये नहीं है नियम में, ये आपको देखना ही नहीं है दवाई, आपको खाना है। तो मुंह को 2-3 ऐसा पकड़ लेते थे, मुंह को ऐसा डाल देते थे, दवाई डाल दिया जाता था, फिर उसको पानी पिला। तो उसके बाद कुछ घंटे के बाद हमको बड़ा बेहोशी टाइप का लगता था, हम सोते थे। मतलब ऐसे वो स्थिति से भी गुजरे। ये तो ईश्वर की देन बोलो या फिर आप सबकी ताकत बोलो या आप सब लोगों की मेरे दुआ बोलो कि मैं उसके बावजूद भी फिर मेरे कपड़े हमारे कपड़े जला दिए, मेरा ही नहीं और लोगों का कपड़े भी कपड़े जला दिया जाता था। टॉयलेट के पानी पीने के लिए हमको मजबूर किया गया, हम पिए, हम बोले ठीक है ये लड़ाई है फाइट है, हमने वो भी किया। और उसके अलावा उसके बाद मेरी मानसिक स्थिति से पूरी डिप्रेशन में लाने के लिए इन लोगों ने जेल के अंदर मारपीट नहीं मानसिक रूप से पड़ताड़ना, तो हमारी पूरी कपड़ों को निकाल दिया जाता था, निकाल के बैठा दिया जाता था, उसके अंदर इसके अंगों में डंडा डालो ऐसा, ये एक मंथली डिस्टर्ब करने और हमारे अंगों से इस तरह खेला जाता था। अब आप सोच सकते ये क्यों किया करते थे, क्योंकि ये पूरी तरह माइंड अपना डिस्टर्ब हो जाए। उसके बाद इन्होंने सब करके फिर पागल का करार, सोनी सोरी पागल है ये कह के उन्होंने एक लेटर जारी कर दी। और जबकि प्रशांत जी और कॉलिन गुंजालेस HRL इन्होंने लड़ा कि वो पागल नहीं हो सकती, एक बार उसको कोर्ट से फिर से एक बार चेकअप के लिए डॉक्टर की टीम जाया जाए छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ गई डॉक्टर की टीम, तो उस समय हमसे पूछते हैं भाई, हम लोग से मेरे से पूछा जाता है कि ये नहीं पूछा जा तुम्हारे साथ क्या हुआ, ये पूछा जाता है कि 2×2 कितना होता है, एक दिन मतलब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। हमने बोला कि इतना होता है, हमने सब जवाब दिया। लास्ट में उस डॉक्टर टीम को ये बोला कि देखिए मैं पागल नहीं हूँ, मेरे साथ क्या हुआ वो आप जानिए क्या क्या हुआ। ऐसे मतलब टॉर्चर जेल के अंदर भी होता है। ये तो अच्छी बात थी कि हमारे वकील और लोगों ने पूरी तरह हमारे उसमें नज़र में रहे, तो आज हम बच गए हैं। मतलब ये जेल के अंदर ऐसे होता है। और उसके बाद आगे बताइए फिर। When Soni ji was jailed 2 years before that, her husband had also been jailed by the police on false charges of Maoism. And when she started writing, everyone was quite shocked by what she was writing. And then the police started drugging her. They forced her to eat medicines. They wouldn't tell her what the medicines were, even though she asked. She said, "I am educated. I can read. At least show me what tablets you're giving me." But they refused to. She was forced to eat as many as 24 tablets in one day. They were forced down her throat. They would then force her to drink water and ingest them. She was also injected with substances she didn't know. They refused to give her information. They said they were not obligated to tell her what drug she was being given. And as a result, she was sedated. She would faint and sleep. Her clothes were burnt. Not just hers, even other female prisoners were, their clothes were also burnt. She was forced to drink water from the toilet, and she did even that. She said that this is my fight, and if I have to drink this water, then I will. The police then tried to push her into a state of depression. A lot of mental harassment was committed against her. She was stripped. Other women were also forced to strip, and then they were forced to sit naked inside prisons. The police would play with their bodies. They would insert rods into people's bodies to try to intimidate them. And the entire intention behind doing this was to disturb her mental health. And the police went so far as to also then term her to be mad. They said she's mental. And it was at this time that HRLN, Colin Gonsalves, and a few other lawyers, they sent a team to Chhattisgarh to investigate these charges. So when doctors spoke to her, they didn't ask her about what happened to her. They asked her questions like, what is 2 multiplied by 2? How many days are there in a week? And she answered all of these questions. And in the end, she told her that she's not mad. You should ask me what happened to me, and then you will understand exactly why I am in this condition. She says she was lucky to be protected by her lawyer and the HRLN team. तो डॉक्टर की टीम कहने लगी कि आपको बताना पड़ेगा कि आप पागल हैं, क्योंकि आपको सरकार ने पागल का करार देने के लिए हमको इस तरह बताया है, तो आपको भी सबूत देना पड़ेगा कि आप पागल नहीं हो। तो फिर वो सवाल जब पूछे मुझसे कि 2×2 कितना होता, मैंने 4 बोला, एक हफ्ते में कितने दिन, मैंने 7 दिन बोला,
उसके बाद बोले कि जंगल में अगर नहीं, वो बोले आग लग जाएगा, लग जाएगी तो आप कैसे बुझाएंगे। तो मैंने बोला परिस्थिति देखेंगे, क्या आग जंगल में लगी या शहर में लगी, उस स्थिति को देख के हम बुझाने की कोशिश करेंगे। लेटर को अगर रोड में पड़ा है तो मतलब इस तरह का कुछ सवाल किए, मैंने सवालों का जवाब बताया। उसके बाद डॉक्टर टीम को भी लगा कि नहीं ये पागल नहीं है, फिर मैं अपनी तकलीफ बताया, जैसे आपको हमने उन्होंने लिख दिया सोनी सोरी पागल नहीं है, सोनी सोरी के साथ ये हुआ उसकी वजह से ऐसा, तो मैं बच गई। तो वो चीज़ उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरे पति जेल में थे, उनको बोला कि नहीं अब तुम अपनी पत्नी से बोलो कि तुम्हारी पत्नी को बोलो ये लड़ाई छोड़ देगी। अब मेरे पति का और मेरा झगड़ा, और वो जबकि आपको आपको पता है कि जेल में बार बार मिलाने का रूल्स नहीं है, लेकिन वो टॉर्चर करने के लिए मेरे पति को मेरे से मिलवाने लाया जाता था, मैं जहाँ थी। और उसके बाद हमको आधा घंटा एक घंटा समय दिया, उस बीच में हमारी लड़ाई होती थी। तो मेरे पति साथ मैं बहुत बहस हुआ, लास्ट में मेरे पति बोले कि देखो हमको 30 लाख रुपये देने को सरकार तैयार है, हमको जेल से रिहा करने को भी तैयार है, हमारे बच्चे विदेश भी पढ़ेंगे उसके लिए भी तैयार है, और हमको घर भी मिलेगा, हमारी गाड़ी भी जब्त हुई सब मिलेगा, तुम बस एक बार लिख दो और ये लड़ाई नहीं करनी है, तो इसलिए तुम इस बार इस लड़ाई को छोड़ दो। तब हमने एक ही जवाब दिया, एक बार हम आपको छोड़ देंगे, आपको ऐसा लगता है ना कि आपको हम छोड़ देंगे, लेकिन अगर ये लगता है कि आपकी पत्नी के साथ इतना कुछ हुआ आपको शर्म लग रही है, आपको छोड़ देंगे लेकिन हम फाइट नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे पति साथ बहुत झगड़ा, उसके बाद मेरे पति का कमजोरी पता चल गया कि ये उसको बोले तुम कैसे मर्द हो, अपनी औरत को नहीं समझा सकते हो, तुम एक बुजदिल हो, और ऐसे मतलब उसको अनाप शनाप गाली दिए, उसको बहुत मारे। अंत में वो भी अधमरा के रूप में पूरा पैरालिस होते तक उसको मारपीट किया गया, और वो जे बाहर निकाला गया, बाहर निकाल के वो तो अस्पताल में रखा गया। और उसके बाद में एक दिन के लिए मैं बड़े मुश्किल से मिलने के, पूरी जंजीरों से बांध के रखा गया था मेरे पति। तब वो मेरे को बोलते हैं कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, अब भी तुम लड़ाई छोड़ दो, अब भी मेरे को बचा ले, मैं जीना चाहता हूँ। लेकिन एक तरफ मेरे पति का जिंदगी था, तो एक तरफ मेरा, ये लड़ाई इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बहुत लोगों के लिए ही हो रहा है, वो ज़रूरी था। लेकिन अंत तक हमारे पति हमसे चले गए, मतलब उनकी मौत हो गई, लेकिन हम अपने हमारे पति लास्ट में बोले उसके बाद कि शायद तुम सही हो मैं गलत हूँ, तुम अब लड़ो। तो इस तरह हमारे पति से हमको मिलने नहीं दिया जाता था, इतना ऐसा टॉर्चर हुआ। When the medical team visited the jail, they encouraged her to tell them that she's mad, because that was the answer that the government wanted. The government had turned her mad, and that is why even they wanted to prove that she was indeed crazy. And they would ask her some questions like, what is 2 multiplied by 2? How many days in a week? How will you douse a fire? And she replied that, I will look at the situation and then try to understand. If it's a fire in a city, there's a different way to go about it. If it's in a forest, there's a different way. They asked her a lot of questions. And in this process, after listening to what she was saying, they realized that she wasn't mentally disturbed, and her mental health was in a bad condition only because she had been victim to so much violence and intimidation from the police. And then they certified her to be mentally healthy. And because this strategy of the police failed, then they tried to use her husband to stop her. So even though it is not customary for husbands couples to be allowed to meet while they're in jail, the police would still allow her husband a few hours to talk to her, to try to convince her, to persuade her. And this would quite often then devolve into fights. They would end up fighting, and the only intention of the police in allowing them to talk at all was to continue torturing her, to try to deter her from her fight. And the husband also tried to convince her. She describes one of the last conversations that they had, where he told her that if she stopped, the police had offered 30 lakhs as compensation, and they would get out of here, they would get their car back, their children would even get to go abroad to study. And while this was attractive to her, she said that she would not give up, even if that meant that he would not support her. And then she lost the support of her husband. The police would often harass her husband, emasculate him, ask him questions like, what kind of man are you if you can't control your wife? He would very frequently be beaten up very brutally, and eventually he was paralyzed as a result of the violence that the police committed on him. After that, they took him to the hospital, and she was once allowed to visit him while he was in a hospital, where she then found out that even inside the hospital, he was still in shackles. She talks about how by using her husband, the police tried to make this an issue between them, where it was her life or his, and she had to save one, and eventually her husband died.
She describes how towards the end, he had one conversation with her where he said, maybe I was wrong and you were right. And he supported her fight. And this is one of the reasons that she continues fighting for what she's fighting for. मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ जो वकील हैं अब आगे जाके वकील बनेंगे और जब मेरे पति मतलब मरने से पहले बार बार दो तीन दिन ये तड़पते रहे कि एक बार मेरी औरत को मिलवाया जाए एक बार मेरी औरत को मिलवाएं उसके बाद हमको मिला तो नहीं पाए और मेरे तीन बच्चे हैं मेरे बच्चे भी बार बार इस बात को कहते रहे मैं जेल में थी हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट में आके बताना उतने दूर से तो संभव नहीं था तो जब उनकी डेथ हुई डेथ होने के बाद आवेदन डाला गया क्योंकि वो हर मतलब अंत तक उसने मेरे को मुझे देखने के लिए तड़पने के लिए बोलते हुए वो डेथ उनकी हो गई क्योंकि पूरा मतलब पुलिस प्रशासन ऐसे करके घर में छोड़ा उठ नहीं सकते थे वो पूरी जिंदा लाश बना के छोड़ दिया गया था तो मुश्किल से एक महीना तक जिंदा रहे उस बेसिस में मेरी डिमांड करते रहे तो तब जब मर गए तो अब हमारे पिता को भी लगा परिवार को लगा अब तो मर गए हैं वो जब जी रहे थे तब बार बार उसका नाम ले रहे थे तो चलो एक बार हम कोर्ट में डाल देते कोर्ट में फाइल कर दिया पर कहीं ना कहीं मैं किसको दोष दूँ या मजिस्ट्रेट को दोष दूँ कि वकील को दोष दूँ लेकिन अंत में मेरे को ऑर्डर नहीं मिला मेरे पति से अंतिम संस्कार करने के लिए भी कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया तो मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ ऐसे कई चीज़ें परिस्थिति आती है ऐसे कई चीज़ें केस आती है तो आप ऐसे वकील बनिए कि वो जब मैं बोल रहा है पीड़ित तो उसको इतनी तो दिला सके अगर मेरे को दो घंटे का भी टाइम देते अंतिम समय मेरे पति को मैं अपना कपड़ा मतलब उनके डेथ बॉडी में एक कपड़ा उड़ाती या उनको मैं देख लेती लास्ट स्टेज वो तब भी मेरे को अनुमति नहीं दिया गया कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया तो मैं यही चाहूँगी कि आप ऐसे फाइटर ऐसे वकील बनिए कि आप जज को भी कन्विंस कर ले और उसके लिए आप उस पीड़ित को उस न्याय दिलाने में कोशिश कीजिए She is referring to us because she thinks as lawyers it is important for us to know this. Towards the last days of his life, her husband was in a very bad condition physically. He was suffering. He really wanted to meet her. He wanted to meet their children. But they were not allowed to meet him. None of them was allowed to even talk to him in his last days. She describes him as a zinda lash, a corpse that is barely alive. Because that is the condition that he was put into as a result of the violence that the police committed on him. After his death, the family tried to approach the court. They gave a statement before the court, tried to describe what happened. But the court did not even pass an order to give them permission to cremate him. And as lawyers, she thinks it's very important for us to know how important it is, at least in the last days, for families to be allowed to meet. It would have meant a lot to her and her husband had they've been able to even talk to each other for an hour or so before he passed away. And she thinks that this is the kind of stuff that lawyers should be conscious of, should play a role in to get justice for families. तब बोल रहे वैसे बताऊंगी तो ये तो बहुत समय लग जाएगा लेकिन मैं जो इतना जो चीज़ें बताई इससे भी बहुत चीज़ें हमने झेला है मतलब ढाई ढाई महीने जेल में वो हड़ताल किया सब और वहाँ महिलाओं का तो बहुत चीज़ मैं नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि समय भी कम है पर मेरा ये कहना है कि आप बताए इतनी जो लड़ाई हो रही है वहाँ आखिर क्यों हो रही है हम जैसे आदिवासी के साथ और लोगों के साथ क्यों कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन की बात आती है जब हम बोलते हैं कि जल जंगल जमीन छीना जा रहा है जल जंगल जमीन के आदिवासी के पास इतने बड़े कोई महल नहीं है कोई गाड़ियां नहीं है कोई ऐसे तो उनके पास पैसे हैं उनके पास मालिक है तो जमीन है उस जमीन की लड़ाई को आज सरकार इस हद तक कर रही है कई ऐसे स्टूडेंट भी होंगे कि ये मतलब कोई विकास चाहता है कोई विकास नहीं चाहता है देखो भाई साथियाँ और मेरे जो भाई लोग बैठे हो हम भी चाहते हैं विकास हम बस इतना चाहते हैं कि सरकार उस तरह का विकास करे लोगों की हत्या ही ना हो लोगों का जल जंगल जमीन जबरदस्ती छीनना नहीं चाहिए और वो जो अगर जो जैसे आदिवासी के एक्ट में दिया है पैसा कानून है हमारा पत्तलगढ़ का भी बात चल रहा है वो सब चीज़ें हैं तो सरकार उस नियम का पालन करते हुए जमीन ले ले और विकास कर ले हम क्यों नहीं चाहेंगे हमको भी लगता है गाड़ी में चले रोड में चले बिजली आए सब आए हम भी तो इंसान है ना हमारे आदिवासी भी इंसान है बस्तर के लोग भी इंसान लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि छीन के अगर बनाने की बात करते हैं वो कभी नहीं दें क्योंकि उनको मालूम है मैंने कई आदिवासियों से पूछती थी बोलती थी नहीं आपको इस ज़मीन के बदले में बहुत बड़ा महल मिल जाएगा घर मिल जाएगा नौकरी मिल जाए आप लोग क्यों रोक लेते तो बोले नहीं मैडम ऐसे ज़बरदस्ती हमको मतलब बेदखल कर रहे हैं नक्सल के नाम से अंदर कर रहे हैं गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं उसके बाद हमारी ज़मीन लेके हम कैसे देंगे क्योंकि ये ज़मीन हमारी मालिकान अधिकार है और ये ज़मीन आने वाले दर पीढ़ी को ये चलाएगी
जब हम क्या गर्म इतने बड़े महल में रह के क्या करेंगे, ऐसा उनका सवाल किया जाता है। अब NMDC को ही ले लीजिए, NMDC में इतनी माइनिंग है और आज वहाँ के लोग इतना बेरोजगार हैं, उसकी बात को हम लड़ रहे हैं कि आप लोग यहाँ माइनिंग का इतना बड़ा विकास के नाम पे किया, कर दीजिए। तो वो कोई भी ऐसा नहीं है कि आज चाहे जिंदल की बात बोलते हैं, अबानी की बात है, हमारा ये कहना आप लीजिए ज़मीन, लेकिन ज़मीन लोगों के हित के को देखते हुए लीजिए, उनके उनका उनको क्या चाहिए, लेकिन छीन झपट के ना लिया जाए। और आज लड़ाई इसी की चीज़ की हुआ है। Describes how she has a very long story to tell. There has been a lot of suffering. She has also gone on a hunger strike for 2.5 months while she was in jail. Unspeakable atrocities have been committed on the women in Chhattisgarh. And then she asks why this must be. Why is the state adopting this sort of stance towards these people? She talks about how jal, jungle, zameen, that's water, forest and land, that is all that Adivasis have. They don't have riches, they don't have mansions, they only have land, and land is exactly